याद आ रही है और मुझे मन कर रहा है काश मैं अभी मेनलैंड में होती तो मैं अयोध्या चली जाती। अब तो दिस इज द मेहंदी जो मुझे आपको लगाई थी। A few moments later. यार मैं देख रही थी अभी और अभिषेक बच्चन दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये पहुंच चुके हैं अयोध्या, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और हम भी रेडी हो चुके हैं, बस अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे मंदिर। क्या प्यारी सजावट है यार, लाइक यहीं से देखकर इतना अच्छा लग रहा है, तो रियल में वहाँ पर कितना अच्छा लग रहा होगा। माय आज थोड़ा सनातनी मूड बना ही हुआ है तो हम अपने सनातनी मूड को कंटिन्यू करते हुए, अभी मेरे पास कोई और काम तो है नहीं, अभी 6 बज रहे हैं अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल तो अभी मुझे बहुत वाइब करने का मन हो रहा है केसरी के लाल वाले गाने पे, क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, तो लेट्स वाइब, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। कॉपीराइट नहीं आनी चाहिए। सो आफ्टर वाइबिंग अ लिटिल बिट आई थॉट टू लिसन टू अ पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे पॉडकास्ट सुनना भी बहुत पसंद है। विनीता सिंह आज के जमाने में शार्क टैंक इंडिया के बाद शुगर कॉस्मेटिक्स की ग्रोथ के बाद। A few moments later. यार मैं ना बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, तो लेट्स जस्ट आस्क गूगल कि क्या कर सकते हैं हम लोग। हे गूगल, आई एम वेरी बोर्ड करेंटली, प्लीज टेल मी सम ऑप्शंस। डू अ पजल, प्ले अ गेम, ऑर्गेनाइज योर क्लोजेट। माई क्लोजेट इज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज, मैं इतनी ऑर्गेनाइज हूँ कि मेरी मम्मी मेरे क्लोजेट 50 बार ऑर्गेनाइज कर देती है, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती ऑर्गेनाइज करने की। वर्क ऑन अ पजल, ओपन रेसिपी बुक्स, मुझे कुक करने का भी शौक नहीं है यार, कसम से ना मैं बहुत बोर हो रही हूँ आजकल। गई जैसे क्यों होता है कि जब आपका कॉलेज खुला होता है तो हमें लगता है कि यार कॉलेज खुला है तब मतलब कुछ है ही करने को, टाइम ही नहीं हमारे पास इसी चीज़ के लिए, और अब जब कॉलेज नहीं खुला है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो मैं मतलब बहुत कन्फ्यूज हूँ। क्या ये दुनिया का अंत होने वाला है? क्या यही है वो रियलिटी जिसमें हम जी रहे हैं? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। क्या हो रहा है हमारा? एक तो पटाखों की आवाज़ आ रही है पीछे से बार बार। सो गाइस, और मुझे याद आया कि मैं रोज शाम को वॉक करती हूँ, तो लेट्स गो वॉक कर लेते हैं। तो चलो अभी वॉक करते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। चलो गाइस, मुझे याद आया कि मैंने ना छुट्टियों में बैठ बैठ के एक नई स्किल सीखी है, मैंने सीखा है पियानो बजाना, पियानो टाइल्स का पियानो बजाना सीखा है। गाइस ये ना केसरिया जानबूझ के बजाना नहीं जाती क्योंकि वो बार बार गलत कर देती है उसमें। अब मैं केसरिया ही बजाऊं। आए। चलो देखते हैं केसरिया बजाते हैं। आवाज हो रही है, तुम बता दो। गाइस आई थिंक इसने मेरा चैलेंज पास कर दिया है। गाइस आपको पता है कल था 21 जनवरी, सुशांत सिंह राजपूत का बर्थडे, ट्रिब्यूट टू हिम। ले भाई। गाइस मैं पीछे बालकनी में वॉक करने आई थी, मैंने देखा मतलब दिवाली की तरह लोगों ने अभी भी घर सजा रखे हैं, अब बहुत सुंदर लग रहा है, हमने भी दिए जलाए हैं। Thank you.
पी लो फ्रेंड्स। लेटर गाइस, मैं ना मार्केट गई थी और आज मैं ये लेके आ गई उठा करके। ये मुझे बचपन में बहुत पसंद था, मिलता नहीं है जल्दी। पोलो कमेंट यस इफ यू लव दिस। एंड यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, एंड अब हम सोने जाएंगे इसके बाद, क्योंकि और कोई काम तो रह नहीं गया। एंड आई होप कि आपको ये अ डे इन माय लाइफ अच्छा लगा होगा। तो यार, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून इन द न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय। कहा तुम सुंदरता की मूरत और कहा ये मनुष्य। हाँ, मेरा वीडियो ही ऑन नहीं था गाइज। आफ्टर वन डे ऑफ व्लॉगिंग माई डे, मुझे ऐसा लगने लगा है कि व्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब स्पेशली तब जब आपके पास कोई काम नहीं हो, और मेरे पास फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। रिस्पेक्ट फॉर सौरभ जोशी। टिंग टिंग टिंग। एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट फॉर सौरभ जोशी। ऐसे सडन इंक्रीज हो गया।